मन में वो नाम सोचिए, सोच लिया मैंने, फुल स्क्रीन पर रखेंगे प्लीज। हाँ कोई और नहीं सर, सुहानी शाह और कंप्यूटर बाबा दोनों इस वक्त अभी दोनों यही स्क्रीन पर रहेंगे, कंप्यूटर बाबा जी और मैं। हाँ कंप्यूटर बाबा जी और सुहानी जी, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमें? मैं रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से, नर्मदा तट से जुड़ा हूँ, नर्मदा तट पे हूँ, नर्मदा तट बोराज घाट, ठीक है, नर्मदा तट बोराज घाट से, बोराज घाट से। कठिन तो है ये थोड़ा, बहुत ज्यादा कंप्यूटर बाबा हूँ ना तो कठिन तो रहेगा ना सर, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, कठिन आता है, चैलेंजेस आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। जी कोशिश करेंगे इसे करने की। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक तो है ना ये जो नाम सोच रहे हैं जी, और जो आप नाम ऐसे में कर आपको लिखने को बोलती है, जैसे आप हिंदी में सोच रहे, मैंने लिखा, मैंने लिखा भी है, मैंने लिखा भी पर है। आपने जो लिखा है जैसे मैंने कहा कि ये जो सोच रहे लिख रहे वो हिंदी में लिखा है। हाँ। तो हिंदी में लिखा, हिंदी पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप? ठीक मैंने लिखा है यहां पर और रख दिया है। पहली बार पूरी जनता को क्या आप बताएंगे आपने हिंदी में क्या नाम लिखा है? एक सेकंड कंप्यूटर बाबा बताएं, उससे पहले ब्रेक मत लो यार ब्रेक नहीं ले रही हूं मैं क्योंकि मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है, मैं चाहती हूँ। देखो आपने देखा है कि मैंने लिख लिया है। हाँ ब्रेक नहीं, नाम भी लिख लिया है। ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं। कंप्यूटर बाबा आपको क्या लगता है सुहानी आपके दिमाग में जो नाम है वो सही से बता पाएंगी? आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल कह रहा है कि सुहानी देवी का स्वरूप है, जरूर बता पाएंगी। और कंप्यूटर में, कंप्यूटर में घुस के जो है ये निकाल के लाएंगी नाम। ठीक है तो तैयार है आप सब? प्रेशर थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तैयार, ठीक है हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। नाम मैंने यहाँ पे दो लोगों को दिखा भी दिया है। क्या नाम बोल रहे थे आप, सोचा है आपने या लिखा है आपने हिंदी में? तो रूबिलिया कच्ची में बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए कंप्यूटर बाबा। मतलब ये गुरु राम संतोष दास जी का नाम लिखा है। तो मैंने मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने गुरु राम संतोष दास। आपने गुरु सोचा पहले? हेलो आवाज आ रही है मेरी? बंद हो गया? तो नहीं नहीं बंद नहीं हुआ है भाई। गुरु हेलो राम संतोष, राम संतोष दास। तो गुरु राम संतोष सर, आपका आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही, आवाज आ रही। गुरु राम संतोष दास, ये नाम सोचा आपने? हाँ गुरु राम संतोष दास। गुरु राम संतोष दास, बताइए बताइए। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत, मैं इसलिए बोल रही थी कठिन है मेरे लिए, ठीक है? आपने तो देख लिया है तो आप कैसे एक्टिंग कर रहे हो ये मैं बस लिखते हुए देखा है इन्होंने मुझे वहां कहां कैमरा पर दिखाइए। सॉरी मुझे डराओ, डांटो मत यार। अरे कंप्यूटर बाबा को काटिए भाई। कंप्यूटर बाबा आपने लिखा जो वो दिखाइए जरा हमें। पहले तो मैंने खाली गुरु राम लिखा नहीं, बस ये वापस लीजिए आप। ये लो, हाँ। आप अपना बताइए भाई जो पर्चा लिखा था। ये लिखा है गुरु, उन्होंने हिंदी में लिखा था। गुरु राम संतोष दास लिखा मैंने। अच्छा दिख नहीं पा रहा है लेकिन हाँ आपने लिखा, वो लिख लिया सुहानी ने, लिख लिया। अरे वाह, बताएं बता तो दिया आप ही, हमें देख नहीं पा रहे कंप्यूटर बाबा। उन्होंने लिखा है GURU गुरु। पहले तो मैंने खाली गुरु राम लिखा था फिर लिखा। अरे सुहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको, रोशनी जी आपको बहुत बहुत, देश दुनिया में नाम कमाए आप। सुहानी आप रोशनी दिया, अच्छा ही नाम है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत ढेर सर आशीर्वाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको आपको देश दुनिया के लोगों की तरफ से, साधु संत समाज की तरफ से, सभी सनातन धर्म की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आप नाम कमाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज को भी धन्यवाद दूंगा, रूबी लियाकत को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने एक साधु संत को संतुष्ट कर दिया, मेरे गुरु महाराज का नाम बता दिया। मैंने मन में सोचा, आपने बता दिया, मैंने लिख भी लिया, मन में भी सोचा, वो बताया। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप भी हमारे साथ जुड़े, यहाँ पर मेरे शो पर आए, मेरे से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत कर कर। कंप्यूटर बाबा, आप आपकी जो स्माइल है ना, ये गदगद कर गई आज हमको। जनरली अभी तो उम्र कम है, आने वाले समय में दुनिया में नाम कमाएंगे आप। आमीन आमीन, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कंप्यूटर बाबा। वैसे सुहानी में बता दूं, कंप्यूटर बाबा जो है, आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत तगड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस तरह से मुस्कुराते हुए कम दिखाई देते हैं, लेकिन आज उनके गुरु का नाम आपने सोच लिया। पर मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं मजाक नहीं करी, इस आप लोगों ने देख ही लिया मेरे छकल पे था, क्योंकि ऐसी जगह पे आप गलती नहीं कर सकते। तो मैंने पहले सिर्फ गुरु राम लिखा था, फिर मैंने फिर लिखा चल लिख देते हैं पूरा। तो मैं काफी ऐसे कि ये नाम गलत आने की संभावना, मतलब ये गलत नाम आ नहीं सकता था, तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि किसी गुरु का नाम गलत लेना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वी डिड इट। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कौन सा टॉनिक लेती हैं? देखो, इन सबका आशीर्वाद है। ये कैसे जो है आपको, क्या खाती पीती हैं, क्या प्रैक्टिस करती हैं, कोई इसमें आप योग करती हैं, ध्यान करती हैं, क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू इस कला को और उभारने के लिए? प्रैक्टिस करते हैं, यही प्रैक्टिस चलती रहती है हमेशा। मतलब अगर मुझसे ये सवाल 10 साल पहले पूछा जाता तो शायद इतना मैं नहीं कर पाती जो मैं आज कर पा रही हूँ, पर अब हर साल बढ़ता रहता है और मेरा जीवन में बस मैं शोज करती रहती हूँ। तो हर दिन, जैसे जब मैं आपके लिए परफॉर्म भी कर रही हूँ, मेरे लिए प्रैक्टिस भी हो रही है, परफॉर्मेंस भी हो रही है। कल कहीं और करूंगी, परसों कहीं और करूंगी। तो आई थिंक प्रैक्टिस 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 25 साल के बाद अगर इंसान अच्छा ना करे तो मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने आपको ट्रिक कर दिया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे दिमाग में चल रहा है किसी का नाम, किसी का नाम, हाँ, आपके दिमाग में तो सवाल भी था। हाँ, सवाल भी था। हाँ, she guessed it right. I guessed it right. आपके मन में एक सवाल भी था? हाँ, मेरे मन में एक सवाल है। आप एक सवाल पूछना भी चाहते थे मुझसे? हाँ जी। तो सवाल करें पहले कि नाम करें? सवाल करते हैं। नहीं, सवाल करती हूँ, और वो बड़ा पर्सनल लेवल का सवाल था। मतलब अच्छा। जब मैंने आपको देखा, 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, धीरे 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 आगे बढ़ा, और उसके बाद मेरे ये मन में एकदम प्रखर और मुखर तरीके से ये सवाल आया। अच्छा, हाँ, तो क्या करें फिर, मैं पूछूं? आप क्यों पूछ रहे हो, आप मेहनत कम कर लो, मैं कर लेती हूँ अब तो। हाँ, एक सेकेंड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने वो सवाल पूछा, बताइए फिर, मन में पूछूं? मेरे को तो पता है सवाल, मतलब आपने जब पहले सोचा था तब भी पता था, अभी आप वापस सोचा उसी को। हाँ, मैं चेक करी थी, सवाल वाल बदल गया हो तो क्या पता, पर सवाल तो वही अभी भी। पर सवाल भविष्य के बारे में, हाँ, कितना संकोच हो रहा है ना आपको हाँ बोलते हुए। इतना बुरा लग रहा है कि यार क्यों पता चल रहा है इसको, इन्होंने बोला कि ऐसे, इन्होंने हाँ बोला, मतलब मैं पढ़ रही हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? हाँ, इट्स रिलेटेड, भविष्य के बारे में सवाल है। फ्यूचर, ट्रू, सवाल मुझसे संबंधित भी है, मेरे से रिलेटेड, मतलब अब ये तो वाजिब बात है, मेरा, मैं शो में इधर हूँ तो मेरे से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। मतलब ये बता देती हूँ, सवाल मैंने लिखा है और उसको फाड़ दिया गया है, ठीक है? मतलब आपने हमको नहीं दिखाया, मेरे को नहीं पता वो सवाल क्या है, आपको नहीं पता? तो सबने देखा, मैंने एक सवाल लिखा और वो सवाल फिर फाड़ दिया गया। हाँ, मन में था वो, लेकिन मतलब मेन बात क्या, मुझे ये सवाल पता है नहीं पता है? आपने मुझे बताया नहीं, ये सवाल आप यहाँ पे किसी बच्चे को बताया जो आके मुझे बता सकता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मन, सवाल आपके मन में? हाँ, मेरे मन में क्लियर है, एकदम क्लियर है, भविष्य को लेकर है, मेरे से संबंधित है। अच्छा, आप ये सवाल मुझसे पूछना चाहते थे कि भविष्य में मेरे जैसे कितने, भविष्य में मेरे, ऐसा ही कुछ सवाल है ना आपका? कि भविष्य में मेरे जैसे और कितने लोग होंगे, सुहानी और कितनी सुहानियां, या और कितने मेंटलिस्ट, ऐसा कुछ सवाल है आपका? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी सुहानीज विल वी हैव इन फ्यूचर, हमें और कितनी सुहानी जो है मिलेगी, वो फ्यूचर में मिलेंगी।
आप मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको आगे ना जाने पड़े, आगे ना जाना पड़े। क्यों मतलब? देखो मैं बात बताती हूँ, लेट्स मेक इट टफ। नो कला ना, कला की बात करते हैं। जब कोई डांसर डांस कर रहा होता है उसका गाना अगर रुक जाए, उसका पैर मुड़ जाए, तो लोग कैसे हो जाते हैं, अरे उनको बुरा लगता है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। करेक्ट। कोई सिंगर गाना गा रहा है, गाना के अटक जाए तो नहीं होना। पर जादूगर, जादूगर के लिए सब कुछ टफ बनाना, क्योंकि जादूगर को कुछ नहीं मिला तो लोगों को बहुत मजा आती है। मतलब जादू हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ लोग टिकट लेके आके हमारे सामने बैठते हैं, फेल हो जाएगा तो मजा आएगी। ये मन में बिल्कुल भावना नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूं लोगों को मजा बहुत आता है। पर ये है कि ये तो क्रॉस कर लिया सुहानी ने, ये बैरियर भी क्रॉस कर लिया, ये बैरियर भी क्रॉस कर लिया, अब और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर लाया जाए, है ना? तो आप में से कोई तैयार है वो एक? पर ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी बहुत सारी महिलाएं, आप में से किसी ने अपना दिल बदला कि अब मैं सुहानी जैसे बनना चाहती हूँ? अरे यार यार मैं सिंगल हूँ यार, होकर मैं ऐसी हूँ, तुम लोग की हो जाएगी शादी वादी, ऐसे टेंशन मत लो, जादू अच्छा है। नहीं है टैलेंट ये जनाब, फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।